रूह रमजान की एपिसोड नंबर 18 में जो हमारे उर्दू पोस्ट पर देखने और सुनने वाले हैं, चाहे वो 47 न्यूज यूके पर देखने और सुनने वाले हैं या हमें सुन रहे हैं रेडियो संगम 107.9 पर, मैक्स राजा और आज मेरे साथ थोड़ी देर के लिए उसामा जायद भाई, उनकी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और साथ में जो आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, बहुत ही प्यारा है, जो क्या कहते हैं ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराही करते हैं, मनकबत पढ़ते हैं, क्या बात है इनकी। हनान शाकिर भाई, हनान शाकिर भाई आपको कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत शुक्रिया आपका भाईजान। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप हमेशा खुश रहें, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आमीन। हनान भाई, हमेशा से हमारा जो सवाल होता है, जितने भी नात खवां आए हैं अब तक हमारे 17 एपिसोड में, इससे पहले 18 एपिसोड कहूंगा क्योंकि आज एक स्पेशल एपिसोड भी थी हमारी हसान बिन खुर्शीद के साथ, वो भी बहुत जबरदस्त नशिस्त रही। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि नात खवानी आपने किस उम्र में शुरू की और किसको देख के शुरू की, या फिर ये बचपन से शुरू था या जवानी में किसी टाइम पर आपकी जो है दिल में आका की मोहब्बत आप नाखवानी की तरफ आए। जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। आपका और मैक्स राजा भाई और तनवीर भाई का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। नात खानी का दरअसल जो सिलसिला है वो अलहम्दुलिल्लाह बचपन से ही हुजूर की नात खानी नात जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ। सुभान तो अल्लाह। मेरे वालिद साहब जो है वो अक्सर हुजूर की नात पढ़ते हैं, तो उनको देख के मुझे जो है मेरा रुझान ज्यादा महफिल की तरफ हो गया, पढ़ने का बहुत शौक हो गया। तो 2006 में मुझे एक मेरा दोस्त था, वो मुझे अलाज मोहम्मद रफीक जिया साहब, मेरे दादा उस्ताद मोहतरम हैं, क्या बात है, जिनकी जिनकी वाह नात शरीफा, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, और क्या काफी काफी नाते उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह लिखी हैं, और जो मुल्क के नामवर सना खान भी पढ़ते हैं। उनके शागिर्द खास हैं मोहम्मद अजहर जियाई बरादरान, मैं अरे उनका शागिर्द हुआ। 2006 में मैं उनकी शागिर्दी में आया, तो अरे अल्हम्दुलिल्लाह 14-15 साल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ जो है उनके साथ रह के सीखा भी और पढ़ना भी सीखा, किस तरह पढ़ते हैं किस तरह नहीं, मतलब घर में देख के भी सारों को। और जब उस्ताद जी के पास गया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मजीद जो है वो बड़ा अल्लाह पाक का एहसान कि अल्लाह ने कर्म किया मजीद। अरे तो वाह, कारी शाह महमूद कादरी साहब, वैसे मैं उनको भी फॉलो करता हूँ, वो अरे भी उस्ताद हैं हमारे, अल्लाह उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। तो आमीन वैसे आमीन। शागिर्द में अल्हम्दुलिल्लाह अजहर जेई बरादरान का हूँ, तो कारी साहब सही, को भी मैं फॉलो करता हूँ ज्यादा। अच्छा, ये तो जबरदस्त हो गया। कहते हैं ना कि बहुत सारे सिखाने वाले हो तो इंसान बहुत अच्छे से सीखता है, कुछ गुण एक इंसान से सीखता है तो कुछ गुण जो है दूसरे इंसान से सीखता है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे। इंसान सीखता रहना चाहिए। और मैं हमेशा से कहता हूँ, और मौला का भी ये फरमान है कि जिसने आपको कोई एक बात सिखाई वो आपका उस्ताद है। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं। तो बस यही हाँ सिलसिला जो नात खानी का मेरा जो बढ़ता चला गया, उसके बाद मैं स्कूल में जब मैं जाता था तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिला लेवल पे दो मुकाबले भी किए अल्हम्दुलिल्लाह। एक पे थी जज हिना नसरुल्ला, सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब, उनकी बहन, जी तो जी सुभान उनसे ही वार्ड अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मिला है मुझे। तो उसके बाद मरगूब अहमद हमदानी साहब, सेकेंड मुकाबला मैंने मरगूब अहमद हमदानी साहब से, उन्होंने बड़ी शफकत और मोहब्बत फरमाई, अल्लाह अरे उनको वाह, भी तादेर उम्र खिजरी अता फरमाए। आमीन। तो हनान भाई, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हुए, हमेशा से हमारा आगाज जो है हमदे बारी ताला से होता है, तो हम क्या कहते हैं ना कि आप फरमाइश करेंगे कोई एक अपनी आवाज में हमदे बारी ताला, अगर आप पढ़ दें। जी, मैं अपने दादा उस्ताद मोहतरम अलाज मोहम्मद रफीक जिया साहब, अरे उनकी सुन लिखी हुई एक हमद, उसे उसी से आगाज कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि कया रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि कया हबीब अल्लाह, बात उन पर जो छोड़ देते हैं, बात उन पर जो छोड़ देते हैं,
दिल शिकस्ता वो जोड़ देते हैं, दिल शिकस्ता वो जोड़ देते हैं, और सुभान अल्लाह। उनके जूदो उनके जूदो सखा का क्या कहना, लाख मांगो करोड़ देते गए, क्या उनके जूदो सखा का क्या कहना, लाख मांगो करोड़ देते बात है, हैं, क्या सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। साया नजरे करम दी कर सोने आवे, साया नजरे करम दी कर क्या सोने आवे, सुन अर्ज मेरे, सुन अर्ज मेरे, साया नजरे करम दी, साया नजरे करम दी, लाल मामा दी चोली छुपा दे, लाल मामा दी चोली छुपा दे, लाल मामा दी चोली छुपा दे, जग दे सारे दुख रे मुका दे, लाल मामा दे चोली छुपा दे, जग दे तू सारे दुखड़े मुका दे, मेरी खाली चोली पर सोने आवे, मेरी खाली चोली पर सोने आवे, साया नजरे करम, साया नजरे करम, क्या साया बात, क्या बात, नजरे करम दे कर सोने वे, साया नजरे करम दे। सुभान अल्लाह वाह सुभान अल्लाह। वाह बहुत ही जबरदस्त वो समा बांध दिया आपने। जी समा भाई, कुछ कहने लगे थे आप? हाँ जी, मैं पहले तो अस्सलाम वालेकुम हनान भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई जान, दुआएं आपकी, आप सुनाएं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक नात का जिक्र किया है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, जी बिल्कुल। तो प्लीज मेरी फरमाइश है कि अगर अभी आप वो सुना दें, जी मैं जरूर पेश कर देता हूँ। क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। जी, अच्छा, स्टार्ट, माशाल्लाह। कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। जी मैं पेश कर रहा हूँ उसके इशार। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है,
दूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। और लाज मोहम्मद रफीक जाह साहब आप लिखते हैं, सयाकार हुआ का बड़ी नदामत है, सयाकार हुआ का बड़ी नदाप से है, कसम खुदा की ये मेरा। और अलाज मोहम्मद रफीक जिया साहब ने लिखा आपके बारे में और मेरे बारे में, हम हमारे दिल की जो हसरत है मदीना कहा मेरी हस्ती कहा मदीना कहा मेरी हस्ती, बस ये हाजरी का शरफ बार बार आपसे है, ये हाजरी का शरफ बार बार आपसे है, हुसैन मुझे से गए और मैं हुसैन से हूँ जया, हुसैन मुझसे गए और मैं हुसैन से हूँ जिया, हसन से प्यार है दर से प्यार आप से गए, हसन से प्यार है दर से प्यार आप से है। और इस कलाम की नक्श राजा भाई खास जो है ना एक इनायत हुई है अलाज मोहम्मद रफीक जिया साहब पे, इस बाहत कलाम है ये जिसके दो मकते लिखे गए हैं, अरे वाह क्या बात है वाह। जिसके दो मकते लिखे गए हैं, एक मकता जो मैंने आपको सुनाया अभी और दूसरे मकते में आप लिखते हैं कि ये लफ्ज नात के जितने हैं आप देते क्या बात है बेशक ये लफ्ज नात के जितने है आप देते हैं, ये नात गोई में मेरा शुमार आप से गए, ये नात गोई में मेरा
शुमार आप से है। क्या बात, क्या बात है हनान भाई। मैं बहुत कसम से एक तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है कि बहुत गर्मी है क्योंकि लाइट नहीं है वहां पर, और आपने जो है फिर भी रसूल पाक की मदह सराई। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे, कबूलो मंजूर फरमाए। सरकार का जिक्र जो है ना, सरकार का जिक्र इससे ज्यादा गर्म है, और गर्मी में रह के सरकार की नात पड़ी जाए ना बाबा जी, तू ज्यादा लुत्फ पाता है। अरे वाह, क्या बात है, क्या तो सरकार बस इस हाजरी को, सरकार इस हाजरी को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और अलहमदुल्ला मैं अपना मच भाई अलहमदुल्ला एक हुजूर की नात लोग प्रोफेशनल भी इख्तियार करते हैं, ये मेरा शौक है अलहमदुल्ला। और मैं अलहमदुल्ला पाकिस्तान में मेरा बड़ा अच्छा बिजनेस है, मैं क्लॉथ की दुकान है मेरी, कपड़े की लेडीज, तो अलहमदुल्ला मैं थोड़ा सा ना उससे भी थोड़ा सा मजा भी साथ करते हैं। तो फिर अगर कोई गायक आता है और उसको भी रसूल की मदह सराई करके सुनाते हैं, या ये सिर्फ जो है ना खास रहमत हम लोगों पर है? ये हुजूर की करम नवाजी है कि अक्सर जब मतलब कस्टमर्स वगैरह आते हैं तो वो जब देखते हैं तो वो बड़े खुश भी होते हैं कि हनान भाई बड़ी अच्छी बात है, आप हुजूर की नात के साथ साथ जो है अपना बिजनेस भी साथ साथ जो है वो इख्तियार किए बैठे हैं। तो हुजूर की नात जो है वो खलूसतन दिल के साथ पढ़ी जाए तो वो सरकार की बारगाह में बहुत मकबूल होती है। अलाज मोहम्मद रफीक जिया साहब कहते हैं, लोगों को महफिल में रुलाने से बेहतर है कभी कमरे में तन्हाई में बैठ के खुद भी रो लिया करो, सरकार कबूल फरमा लेंगे। तो सरकार बस अपनी कर्म नवाजी फरमाए, हम सब पे अपना खसूसी कर्म फरमाए, और बस इस आज जाना तोहफे को सरकार अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और आज मेरी वालदा को मुझसे बिछड़े 5 साल जो है वो बीत गए हैं, आज 5वां सालाना खत्म था मेरी वालदा का, वहां पे भी यकीनन मगफरत करे, यकीनन वहां पे भी यकीनन आज इफ्तारी के वक्त जो है मेहमान वगैरह जो हैं वो आए हुए थे, तो जाहिर सी बात है खत्म शरीफ था वालदा का सालाना, अल्लाह उनके दरजात भी बुलंद फरमाए। और लास्ट में इंशाल्लाह माँ की शान भी जो है मेरी पड़ी हुई अलाज मोहम्मद रफीक जिया साहब की लिखी हुई वो भी पेश करूंगा। बिल्कुल, मैं जिस तरह कहा कि अल्लाह पाक जो है ना उनको जन्नत में आला मकाम, उनके दर्जात बुलंद करें। और मैं जब कभी कोई मुझे बताता है कि वो साथ नहीं है इंसान, तो मैं कहता हूँ कि वो इस दुनिया से बहुत बेहतर जगह पर है, कि दुनिया मेरे हिसाब से जो है ना एक अजीब सी जगह जहां पर आके हम फंस गए हैं। जब वो इंसान इस दुनिया से आ जाता है, मैं कहता हूँ कि वो अब बेहतर जगह पर है, क्योंकि यहाँ इन परेशानियों से यकीन है मतलब भाई मैं बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अक्सर अपना मैक्स भाई जब सोचता हूँ ना, बहुत शुक्रिया हनान भाई, आपने अपनी वालदा का जिक्र किया, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हम माँ की शान अभी सुनना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास उसकी बहुत सी फरमाइश भी, और बिल्कुल एंड पे आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है, उसमें हम बिल्कुल आखिरी जो 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ आपसे सुनेंगे, उसमें रसूल अल्लाह की बड़ाई बयान करेंगे आप, और बिल्कुल एंड पे हम आपसे इंशाल्लाह सैफुल मुल्क के जो कलाम है वो सुनेंगे। लेकिन अगर आप माँ की शान हमें अभी सुना दें, क्योंकि आप माशाल्लाह से आपकी ये जो सिलसिला भी आपने हमें बताया भी, अल्लाह पाक आपकी वालदा के दर्जात बुलंद करें, आज उनकी बरसी भी है, तो उन्हीं जो आज आप उनकी जो शान बयान करेंगे वो मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई बेटा कर पाए, तो यकीनन हम सुनना चाहेंगे आपकी इस खूबसूरत सी रूह परवर आवाज में खूबसूरत सा अंदाज माँ की शान का। जी मैं माँ की शान पेश कर रहा हूँ अलाज मोहम्मद रफीक जिया साहब आपकी लिखी हुई। चाननी रता मैनू लगन हनेरियां, चाननी रता मैनू लगन हनेरियां,
जदों दी मैं तू अखियां ने फेरियां जदों दी मैं तू अखियां ने फेरियां चाननिया रातां पैर हुण साडे वेड़े ओ भी दिन मुड़ के ना कद हुणे ने कहने बाबा के हुंदियां सी जदों गल्लां तेरियां ते मेरियां हुंदियां सी जदों गल्लां तेरियां ते मेरियां चाननियां रातां। सलमान भाई बहुत खूबसूरत इशार है जनाब। दुख की सुनावा मेरे दुख नहीं ओ मुकने मैक्स में चाहूंगा अगर आप उन्हें व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लें तो ज्यादा ये जो तातुल का सिलसिला है वो खत्म हो जाएगा। अगर आयुसे वेले मेरे हजू नहीं हो रुकने वेखना जदों जाके मिट्टी दियां टेरियां वेखना जदों जाके मिट्टी दियां टेरियां चाननियां रातां पैर हुण साडे वेड़े माए तू ना पने ने पैर हुण साडे वेड़े माए तू ना पने ने ओ भी दिन मुड़ के ना कद हुण आने ने के हुंदियां सी जदों गल्लां तेरियां ते मेरियां चाननियां रातां मैनू लगन हनेरियां जदों दी मैं तुम्हारी अखियां ने तो मैं चाहूंगा कि जो आखिरी दो अशआर थे अगर आप प्लीज हनान भाई हमारे देखने और सुनने वालों को दोबारा सुना सके। माँ किसान के हवाले से क्या ही खूबसूरत अंदाज में आपने वो कलाम जो है वो पेश किया। लेकिन ये जो इंटरनेट का सिलसिला है टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है लेकिन कुछ ऐसे सिलसिले होते हैं जिसकी वजह से हम कनेक्ट नहीं कर पाते। तो ये जो आखिरी दो अशआर थे अगर आप दोबारा प्लीज हमें सुना सके। जी मैं पेश कर रहा हूँ दो इशार आखिर में जो आपने जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हनान भाई मैं दो इशार पेश कर रहा हूँ। जी जी प्लीज। दुख की सुनावा मेरे दुख नहीं ओ मुकने दुख की सुनावा मेरे दुख नहीं ओ मुकने ज़िया उसे वेले मेरे हंजू नहीं हो रुकने क्या कहने वाह वाह ज़िया उसे वेले मेरे हंजू नहीं हो रुकने
के वेखना वा जदों जाके ओ मिट्टी दियां टेरियां वेखना वा जदों पैर हुण साडे वेड़े माए तुना पने ने पैर हुण साडे वेड़े माए तुना पने ने ओ वी दिन मुड़ के ना कद हुण आने ने के हुंदियां सी जदों गल्लां तेरियां ते मेरियां होंदियां सी जदों गल्लां तेरियां ते मेरियां चाननियां रातां मैनू लगन हनेरिया। सुभान अल्लाह क्या कहने हनान भाई, बहुत ही कमाल। मैं सीरियसली बहुत ही महसूस कर रहा हूँ कि काश आप ये जो इंटरनेट का सिलसिला ये अगर बेहतर होता तो बहुत ही कमाल की महफिल थी। और क्या ही खूबसूरत आपकी आवाज है, क्या ही खूबसूरत आपका अंदाज भी है, और आज आपकी वालदा की बरसी भी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अल्लाह आपके साथ आपकी वालदा के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। और मैं चाहता हूँ कि अब हम खामोश रहें क्योंकि ये इंटरनेट का सिलसिला जो है वो ना टूटे। बताइएगा कि आपने अपना जो कोई कलाम अगर रिकॉर्ड करवा रखा है तो अगर वो हमारे देखने सुनने वालों को थोड़ा सा अगर आप सुनाना चाहें। जी मैं रबीउल अव्वल शरीफ में एक मैंने कलाम जो है ना आमद के हवाले से रिकॉर्ड करवाया था, बट एक कलाम है मैं बड़े शौक से पढ़ता हूँ और इंशाल्लाह आपको भी बड़ा मजा आएगा सुनने का, तो उसके दो तीन शार मैं पेश कर रहा हूँ। ये भी अलहाज मोहम्मद रफीक जिया साहब का लिखा हुआ कलाम है। माशाल्लाह तो, माशाल्लाह क्या कहें, वो पेश कर रहा हूँ। मेरे सिर पे करम दी छा, मेरे लजपाल रख देने, मेरे सिर ते करम दी छा, मेरे लजपाल रख देने, मैनू हसनैन सदका ओ माला माल रख दे ने, मैनू हसनैन सदका ओ माला माल रख दे ने। और रफीक जी सब लिखते हैं कि मेरा दिल चीर के वेखो गयो दे प्यार नल परया, मेरा दिल चीर के वेखो गयो दे प्यार नल परया, मैनू कलिया ओ छड़ दे नहीं, मैनू कलिया ओ छड़ दे नहीं, हमेशा नाल रख दे नहीं, मैनू कलिया ओ छड़ दे नहीं, हमेशा नाल रख देने, मेरे दिल की जमीन पर है कदम सैयद जहरा के बच्चों का, मेरी नस्लों पे है दस्ते करम सैयद जहरा के बच्चों का, मेरे
दिल की जमीन पर है कदम जहरा के बच्चों का, हजारों को आशिशे कर ली जमाने ने गिराने की, हजारों कोशिशें कर ली जमाने ने गिराने की, पर एक बात है हमें झुकने नहीं देता, हमें झुकने नहीं देना, ना 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 ना, हमें झुकने नहीं देना, ना ना, हमें झुकने नहीं देता बरम सैयदा जहरा। सुभानअल्लाह, बच्चों का क्या बात है। गिरने नहीं देता बरम बीबी जहरा के बच्चों का, मेरा मेरा दिल चीर के देखो गयो दे प्यार नल प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मेरा दिल चीर के वेखो गयो दे प्यार नल परया, मैनू कलिया सुभान अल्लाह ओ छड़ दे नहीं, हमेशा नाल रख दे ने मैनू कलिया, मैनू कलिया आपके लिए और मेरे लिए ये शेर है और मेरा पसंदीदा शेर है, सुनिए। हजारों कोशिशें कर ली जमाने ने गिराने की, झुकाने की, हजारों कोशिशें कर ली जमाने ने झुकाने पर एक अस्थि है जिसका हमें सहारा है, हमें गिरने नहीं देता भरम सैयदा जहरा के बच्चों का, हमें गिरने नहीं देता भरम बीबी जहरा के बच्चों का। दोबारा सुनाइए, दोबारा सुनाइए। हजारों को जिसे कर ली जमाने ने झुकाने की, हजारों हजारों
हजारों रिस्क देते हैं माल देते हैं हसरते दिल निकाल देते भाई क्योंकि नेट का भी प्रॉब्लम चल रहा है तो अगर आप दो जी मैं सैफुल मुल्क के दो तीन इशार आपकी नजर कर रहा हूँ सुनिए अव्वल हम्द सना जो मालिक है उस दोनों चतारन वाला क्या बात है किसे मैदान ना है ते मस्जिद डाले मंदिर दे जो कुछ टेंदा ओ किसे दा दिल ना टावी सोना रब दिला विच रहंदा ते सैया नाल मैं खेड ते टूट गईया ने वंगा सैया नाल में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हनान भाई क्या बात है गईया ने बंगा अम्मा गुंदी ते होर चढ़ोंदी प्यो तो मंग दे संगा ते रामत दा दरिया इलाही हर दम बगदा तेरा ओ जे एक कतरा बख्शे मैनू क्या बात है कम बने जांदा मेरा रहमत दा मीपा खुदाया ते बाग सुका कर हरिया बूटाया से उम्मीद मेरी दा कर दे में वे परिया देखिए बाबा जी इस वक्त बिल्कुल अंधेरा है और यकीनन ये छत के ऊपर खड़ा हूँ और हल्की हल्की बारिश जो है ना शुरू हो गई है क्या बात हल्की 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 बारिश शुरू हो गई है आपको अब ये मैं ताज़रात नहीं दिखा सकता बट ये हल्की हल्की जो है ना ये बारिश की बूंदे शुरू हो गई है इसे कहते हैं कर्म और इसे कहते हैं हुजूर की बारगाह में मंजूरी अरे वाह इसे कहते हैं हुजूर की बारगाह में मंजूरी और शेर पेश कर रहा सुनिए हाय 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 ले गए नाली
हाय यार मुहम्मद हुन जाइए केड़े पासे। आखिरी वक्त आ गया इंसान का, इंसान की मैयत घर में पड़ी हुई है। कोई ऐसा प्यार करने वाला होता है, ऐसा प्यार करने वाला नहीं पहुंच पाता, किसी वजह से नहीं पहुंच पाता, तो वो कह रहे हैं मियां मोहम्मद बख्श आप फरमाते हैं कि ले ओ यार हवाले रब दे अमर मिल ले तू एक बारी ओ इस मिलने नू तू याद करे साथ रोसा उम्रा सारी। दिले ओ यार बागा दे विच बुलबुल बोले ते नाल बुलेंदी लाली ओ जिस दा जग ते कोई नहीं मुहम्मद सोना रब यो ना दा वाली ले ओ यार हवाले रब दे ते मिलनी चार दिना दे ओए उस दिन ईद मुबारक वो सी जिस दिन फेर मिलांगे आमीन। और बिल्कुल जनाब इसी के साथ आमीन, इसी आमीन, बहुत प्यारी सी बात के साथ तमाम बेगम सुनने वालों से भी ज्यादा से इनके कल एक और एपिसोड के साथ उर्दू पोस्ट के छोटी से दान कर दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे हनान भाई करना चाहिए इजाजत।